finally got through to your call. This is John, your agent, from New York. Where are you? We've just received the sales figures for the first quarter. Your book is topping the international bestseller chart, Perry. Journalists from the New York Times and a few other national dailies are eager to interview you. Where are you? सच में पता नहीं हम सब परफेक्शन को इतना इम्पोर्टेंट क्यों देते हैं। शायद ये परफेक्ट नहीं होना ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। शायद एक कहानी भी अधूरी होती अगर सब कुछ परफेक्ट होता। कुछ भी तो परफेक्ट नहीं था। हमारा मिलना, हम दोनों की स्ट्रॉन्ग रीजनल एक्सेंट में बात करते हुए एक दूसरे की अनकही बातों को समझ जाना, बीच बीच में शब्दों को हिंदी में ढूंढना। वो 6'2" का और मैं 4'11". हम साथ चलते थे तो परफेक्शन दूर भागता था। फिर भी कितना परफेक्ट था सब कुछ। लेकिन फिर कुछ ऐसी भी कहानियाँ होती है जिसमें कुछ अजीब दास्तान छुपा होता है। Standing still, staring at my own reflection, breathing. Fumes that burn my soul, listening to the cries within that say no. में शादी, 20 में डिवोर्स। मेरी पारिवारिक कहानी तो जैसे शुरू होते ही खत्म हो गई। एक्चुअली खत्म करनी पड़ी। मैरिटल रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, इन सब के बारे में जानने के लिए मुझे न्यूज देखने या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। एक्सपीरियंस हो चुका था। अरे हाँ, डिप्रेशन भी तो मेरी कुछ सालों तक दोस्त थी। एक मिनट, इससे पहले कि आप लोगों को ये लगे हाय ये कितनी बेचारी है, प्लीज ऐसा रिएक्शन मत दीजिएगा, क्योंकि मेरे लाइफ में ये घटनाएं जरूर हो चुका था लेकिन लाइफ का दी एंड नहीं हुआ था। लाइफ चाहे तुम्हें जितना भी गिराने की कोशिश करे, उतना तो तुम्हें वापस है ही। दीदी कहाँ रखने का? दीदी कहाँ रखने का? अंदर रख दीजिए भैया। एक अनजान जगह के लिए निकल चुकी थी जहां मुझे कोई नहीं जानता, जहां मैं किसी को नहीं जानती, जहां मैं सिर्फ अपनी मन की बात सुन सकती हूं। ये जगह कुछ ऐसी ही है। अनजान सा जगह अब अपना बन चुका था। अकेलेपन से अब मुझे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ अकेले ही करना पड़ता था। रात को मुझे सुलाने वाले लाखों झिंगरों की बातें और सुबह उठाने के लिए पंछियों की किलकारी अब तो आदत बन चुकी थी। लेकिन आज पहली बार हुआ जब एक डॉगी की रोने की आवाज से मेरी नींद खुली, ऊपर से ये बेवक्त वाली बारिश। लेकिन ये आवाज कुछ अलग और नजदीक से आ रहा था।
यहाँ से नजदीक गांव तो कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे कुछ कुत्ते हैं और कभी कभी दूर से उनके भौंकने की आवाज सुनाई देती है। उस दिन ब्रूनो को देख के, हाँ ब्रूनो नाम मैंने ही दिया था और इस नाम से वो रिस्पॉन्ड भी करता था। हाँ तो उस दिन ब्रूनो को देख के उसे घर लाने का डिसीजन कितना सही था ये मुझे कुछ ही दिनों में समझ आ गया था। इतना अनकंडीशनल प्यार शायद ही आज तक मुझे किसी ने किया है। लेकिन मन में एक बात मुझे अक्सर परेशान करता था, इतनी प्यारी डॉगी था किसका? अब मुझे क्या पता था कि लाइफ अपने राज सही समय पर ही खोलती है। क्या ब्रूनो के साथ भी ऐसा ही कोई राज जुड़ा हुआ था? ब्रूनो, 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 बेबी वेक अप, ब्रूनो, बेबी वेक अप, व्हाट हैपेंड बेबी? डॉक्टर, डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, माय डॉग इज डाइंग, प्लीज डू समथिंग। ओके रिलैक्स, क्या हुआ है उसको? ही इज नॉट ब्रीथिंग मच, ही इज नॉट मूविंग मच, डॉक्टर प्लीज डू समथिंग। ओके ओके, आपका लोकेशन आ गया, ये नया ऐप बहुत कमाल का है, मैं पास में हूं। यस प्लीज कम, आप टेंशन मत लो। डॉक्टर महाड़िक, आपने फोन किया था ना 5 मिनट पहले? यस डॉक्टर प्लीज कम। क्या हुआ, क्या हुआ कुत्ते को? ही इज नॉट ब्रीदिंग प्रॉपर्ली, ही इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। अच्छा चलो देखते हैं। क्या हुआ इसको? पता नहीं, ही इज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। मैं मार्केट गई थी और जब वापस आई तो देखा ये नीचे सो रहा था और कोई मूवमेंट भी नहीं कर रहा था। ठीक है घबराने का नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। क्या हुआ इसको? कुछ नहीं, हल्का सा ताप है, मैं इंजेक्शन दे रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। ओके हो जाएगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा ये। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपको कितना पे करूँ? मेरा इंजेक्शन का 100 रुपया और मेरा 50 रुपया, टोटल मिला के आपको 150 रुपये देना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अच्छा अच्छा ठीक है। Isn't it a beautiful day? अरे आप, उस दिन तो आपसे ठीक से मुलाकात भी नहीं हो पाई। अदुबिना संदर्भांगना लहरनो। जी मेरा मतलब है माहौल ही कुछ ऐसा ही था। या। How's your dog now? He's fine. He's feeling better. पर आपने उस दिन कॉफी के लिए भी नहीं बुलाया। I'm so sorry. I could have, but उस दिन मैं इतनी घबरा गई, मेरा दिमाग खाली हो चुका था। Wait, how about now? Now? Yeah. I think I can spare some time for having coffee with you. Sure. By the way, किसी ने तुमसे कहा कि तुम कितने लंबे हो? बस आपसे थोड़ा सा। रहने दो, मेरे सामने दानव लगते हो तुम। By the way, I'm Rajiv. It was a pleasure meeting you. Same here. By the way, I haven't seen you around here. Are you from India or you just moved in new? Haan, almost 3 months now. By the way, I am Padi. Guess so. You don't look or sound like you belong to this place. I was there when you were speaking with the doctor. I know. Jab bhi koi panic attack aata hai, so I start speaking in my mother tongue. Basically, I am from Northeast India, Assam. Adani Manslai. Huh? I'm from Kerala, the God's own country. Okay. So,
यू आर वर्किंग अंडर डॉक्टर महाडिक एज अ वेट? हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो. इफ यू आर फ्री टुमारो इवनिंग, इफ यू आर फ्री वी कैन गो फॉर अ डिनर. देयर इज अ नाइस रेस्टोरेंट डाउन द लाइन. आई होप यू नो दैट. या आई नो. सो यू आर आस्किंग मी फॉर अ डेट? नो नो नो, आई एम नॉट आस्किंग. सो डिनर 8 o'clock. गुड चॉइस ब्रूनो. Shit. I don't have his number. मेरे बारे में सोच रहे थे? एक पेशेंट देखने गया था, लेट हो गया आते आते. Apologize, ma'am. पनिशमेंट मिलेगा, मंजूर? जी जान बना. So tell me, why here? In these mountains? It's a long story, Mr. Rajiv. उस दिन हमने खूब बातें की. सोचा नहीं था कि किसी अजनबी के साथ मैं इतना ओपन हो सकती हूँ. शायद इतने साल अकेले रहते रहते मेरे अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई थी. मैं उसको अपनी दुख भरी दास्तान सुना के बोर कर रही थी, और वो मेरे हर एक बात को कितना सीरियसली सुन रहा था. कुछ तो बात था उसमें. डिवोर्स की बातें सुन के अक्सर लोग सिंपथी जताते हैं और फिर अननोइंगली जज करने लगते हैं, लेकिन राजीव से बात करते वक्त एक बार भी ऐसा नहीं लगा. एक तरफ दिल हल्का हो रहा था और दूसरी तरफ लगने भी लगा था. हम अक्सर मिलने लगे. दिल बहाने ढूंढता था उससे बात करने के लिए. ऑब्वियसली थोड़ा तो संभालना पड़ता था ना, कहीं वो मुझे चिपकू ना समझे. अब क्योंकि मुझे रोमांस का एक्सपीरियंस तो नहीं था, इसलिए शायद दिल भी मानने के लिए तैयार नहीं था. लेकिन एक बात तो था, एक दिन उससे बात ना करती तो बिल्कुल डम्बो वाला फीलिंग आता था. और हाँ, राजीव को ब्रूनो बहुत पसंद था, लेकिन एक अजीब बात था, ब्रूनो से वो कभी मिलता नहीं था. या तो सिर्फ उसे दूर से देखता था या फिर मुझसे पूछता था उसके बारे में. शायद डरता था कि वो कहीं काट ना ले. तीन दिन हो चुका था और राजीव का कोई अता पता नहीं था, न खुद आया और ना ही उसका फोन. मेरा दिल घबरा रहा था. उसका एक एड्रेस था मेरे पास, कभी गई तो नहीं थी, लेकिन आज जाना जरूरी था. चाचा, चाचा जी, मुझे एक हेल्प चाहिए. क्या मदद चाहिए बेटा, बोलो. चाचा, वो जो बंगलो है ना, वहाँ पे कौन रहता है? अच्छा, वो बंगलो की बात कर रही हो बेटा? हाँ. वो तो 2 साल से बंद पड़ा है, वहाँ अभी कोई नहीं रहता है. तो पहले कौन रहता था? एक डॉक्टर रहता था, बहुत ही नेक दिल और बहुत ही अच्छा इंसान था. हम गांव वालों की बहुत सेवा करता था. साल में एक बार वो गांव हमेशा आता था. वो कोई बाहर शहर से आया था. लंदन? राजीव पिल्लई नाम था उसका. वो जानवर का डॉक्टर था ना? नहीं बेटा, वो तो जानवर का डॉक्टर नहीं था. वो तो सबकी मन की बात जान जाता था. मनोवैज्ञानिक था बेटा वो तो. मनोवैज्ञानिक? साइकियाट्रिस्ट? राजीव इज नॉट अ वेट. चाचा, वो किधर है? वो पिछले 3 दिन से मिलने नहीं आया. आपको कुछ पता है क्या? क्या? अरे बेटा, राजीव को गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं. क्या? वो एक दुर्घटना में मारा गया था. उसके पास एक कुत्ता था, बहुत ही प्यारा. हम गांव वालों ने उसे कुछ दिन रखा, पाला पोसा, फिर वो एक दिन पता नहीं गायब हो गया. उसके बाद हम लोगों को नजर ही नहीं आया. लगता है तुमको कोई गलत फहमी हुई है बेटा. नहीं चाचा, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है. वो तो डॉक्टर महाडिक के साथ मेरे घर पे आया था ब्रूनो को देखने.
क्या बात कर रही है? एक सेकंड, मैं डॉक्टर मार्डिक को कॉल करती हूँ। हाँ, अजीब वाक्य है, उससे गुजरे हुए तो 2 साल हो गए हैं। हेलो, हेलो डॉक्टर। हेलो, मैं परी बोल रही हूँ। अरे आप उस दिन आए थे ना मेरे घर पे ब्रूनो को देखने। हाँ, याद आया, कैसा है वो? He's fine. आप ये बताइए, आपके साथ उस दिन एक लड़का आया था ना, उसका नाम राजीव था ना? राजीव? हेलो, हेलो डॉक्टर। उस दिन तो मैं अकेला आया था परी, मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। देखा, मैंने बोला ना बेटा, वो 2 साल पहले ही गुजर गया और तुम बोलती हो 3 दिन से तुम्हें मिला ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, उस दिन तो मैं मोबाइल पे बात किया था और डॉक्टर तो लाउड स्पीकर पे नहीं था। प्लीज मुंह को कुकुटू बसाओ। अरे यही कुत्ता राजू के पास था, यही कुत्ता तुमको कहाँ मिला? ये कहाँ मिला, क्या हुआ बेटा, अपने आप को संभालो। उस दिन मैं कुछ बोल नहीं पाई थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ राजीव का प्यार ब्रूनो के लिए इतना गहरा था कि उसकी आत्मा ने तब तक चैन नहीं लिया जब तक उसे इत्मीनान ना हुआ कि उसका ब्रूनो का देखभाल अब सही हाथों में है। काश ऐसा अनकंडीशनल लव हर इंसान में होता। काश हम इंसानों को सोलमेट, रोमांस, शादी या जिंदगी भर साथ निभाने वाले वादे की कभी कोई जरूरत ही नहीं होती। खैर, शायद इस प्यार का मतलब मेरी ये कहानी में ब्रूनो और राजीव के अलावा और कोई समझ भी नहीं पाएगा। मैं मैं तो सिर्फ एक जरिया था। Standing still, staring at my own reflection.